गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का यहाँ एक बार फिर से डेली एनालिसिस में, जहाँ पे द हिंदू की न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे रोज के पर डे के हिसाब से। तो आप लोग जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए, जुड़ जाएँ हमारे साथ और करें आगे सेशन को स्टार्ट, जिसमें हम बात करें आपके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं न्यूज़ में आपके साथ पहली न्यूज़ जो कि है इन्फ्लेशन एट वरी सम लेवल, मतलब कि ऑयल प्राइसेस कीप अप द प्रेशर। मतलब क्या हो गया कि तेलों के जो दाम हैं वो धीरे धीरे आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पर अपना असर दिखा रही हैं और ये अपने स्तर पर पहुंचती जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि काफ़ी लेवल इनका बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन का लेवल आपका बढ़ने लगा है और ऑयल प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवार हैं। तो देखिए न्यूज़ में क्या कहा गया, इंडिया एक्सपेक्टेड टू रिटेन द करेंट इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, मूडी एनालिसिस बोला गया। एनालिटिक में जो आपकी एक कंपनी है, एक जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इस पर अपना विचार दिया है। इन्फ्लेशन हैज़ ब्रीच कंफर्ट लेवल एंड अज्यूम वरी सम प्रोपोर्शन इन इंडिया, मोडी एनालिटिक ऑन ट्यूजडे। इट इज़ अ नोट ऑन एशिया इन्फ्लेशन वरीज ड्राइवन बाय राइजिंग द ऑयल प्राइजेस, स्ट्रेसिंग दैट इंडिया रिटेन इन्फ्लेशन हैज़ बीन ब्रीचिंग अप द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4% इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द पास्ट 8 मंथ, द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फर्म सेट। इंडिया एंड फिलीपींस आर द टू नोटेबल एक्सपेक्टेशन, कहा गया है, एक्सेप्शंस इन एशिया वेयर द इन्फ्लेशन बियॉन्ड द कम्फर्ट लेवल। इन्होंने कहा कि पूरी एशिया में दो देश ऐसे हैं, इंडिया और फिलीपींस, जहाँ पर आपका इन्फ्लेशन है जो कम्फर्ट लेवल से ज़्यादा है। वोलेटाइल फूड प्राइजेस एंड राइजिंग ऑयल प्राइजेस लेड इंडिया सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स टू एक्सीड द अपर बैंड ऑफ 6%। क्या हो गया, अपर बैंड ऑफ 6% इन 2020, इनहिबिटिंग द आरबीआईज एबिलिटी टू कीप द एकोमोडेटिव मॉनिटरी सेटिंग इन प्लेस ड्यूरिंग द हाइट ऑफ द पेंडेमिक। हाइयर फ्यूल प्राइस विल कीप अपवर्ड प्रेशर ऑन हेडलाइंस सीपीआई एंड कीप द आरबीआई फ्रॉम ऑफरिंग फर्दर रेट कट्स। इंडिया द फर्म विच ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ मूडीज इन्वेस्टर सर्विस द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टोल्ड दिस एंड द फर्म दैट सेड दैट द इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिटेन द करेंट रिटेल इन्फ्लेशन टारगेटिंग द फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरी पॉलिसी एंड टारगेटिंग द 4% ऑफ द मार्जिन एंड 2% अबव द बिलो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखा कि टर्मिंग द राइज इन इंडिया रिटेन इन्फ्लेशन वरीसम, मतलब कि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे बढ़ना भारत के लिए काफ़ी खतरनाक, क्योंकि तेल के प्राइस बढ़ भी रहे हैं और एशिया में ऐसा दो ही देशों में देखा गया, फ्रेश सेट सीपीआई में एंड द फूड फ्यूल जो आपके एक्सक्लूडिंग लाइट प्राइसेस हैं आपके रोज 5.3 इन फरवरी एंड 5.3 इन जनवरी एंड एज फूड द बेवर बेवरेजेस प्राइस या क्विक इन द 2.7 कितना हो गया, 4.3 फ्रॉम 2.7। फूड इज अ की ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन रिप्रेजेंटिंग 46% ऑफ सीपीआई बास्केट एंड फूड एनालिसिस से कहा गया। फूड जो कि है, जिसमें सीपीआई इंडेक्स को अगर देखा जाए, सीपीआई को हम अगर देखें अपने सीपीआई इंडेक्स में, तो सिंपली आपको देखेगा कि फूड ही होता है जो मेजर चीज़ें यहाँ पे कंसर्न करेगा, जो फूड से ही सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग लगभग कवर होने वाली, क्योंकि फूड का जो मैक्सिमम पार्ट है सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का रोल ज़्यादा है और पूरी बास्केट में जो उसमें रखे गए आइटम्स हैं उसमें फूड की वैल्यू ज़्यादा आती है। तो ये आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है और एक आपका होता है आपका जो यहाँ पर डब्ल्यू पी आई होता है, तो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स हो जाएगा, तो सी पी आई और डब्ल्यू पी आई आपको देखने मिलता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे आया है, आपको पूछा गया है जो WHO से एक न्यूज़ आई है और इसमें एक उन्होंने एक पहल की बात की है, ग्लोबल लीडर पुश फॉर द न्यू पेंडेमिक ट्रीटी की बात की है, पैक टू अवॉइड स्क्रैम्बल फॉर वैक्सीन्स, कहा गया, जिसकी वजह से क्या होगा, वैक्सीनेशन जैसी जो चीज़ें हैं जिसमें वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अभी पूरी दुनिया में नहीं हो पाया है, उसके लिए ये ऑफर करेगा, उसके लिए काफ़ी बेहतर यहाँ पर ये बात करेगा। तो इसमें सिंपली बात किया गया है, नीचे देख देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं जो सिंपली न्यूज़ यहाँ पूछी गई है, तो आपके जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने बात की कि लीडर्स ऑफ 25 कंट्रीज़ जो इन्होंने अपना प्रपोजल रखा है, अवॉइड द अनसिग्नल स्क्रैम्बल फॉर द वैक्सीन हैम्परिंग द COVID-19 रिस्पॉन्स, तो लीडर फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड द WHO ऑर्गेनाइजेशन साउट द गेट द ग्राउंड रूल्स डाउन इन राइटिंग द स्ट्रीमेबल एंड स्पीड अप द रिएक्शन फ्यूचर ग्लोबल आउटब्रेक।
The treaty would aim to ensure that information, virus pathogens, technology, and tackle the pandemic and products such as vaccine are shared swiftly and equitably among the nations. तो इन्होंने इस चीज़ पे भी अपना जोर दिया. दूसरा इन्होंने जो बात की यहाँ पर वो बात रही इसमें इनको कि आपका जो यहाँ पे जो प्रेशर होगा द टाइम ऑफ द एक्ट नाउ द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड द वेट टिल द पेंडेमिक इज ओवर स्टार्ट प्लानिंग टू द नेक्स्ट वन. कहा गया हम इस पर अगली पेंडेमिक आने से पहले इस पर काम करना चाहेंगे. टेड्रोस अमोन गैब्रियल जो टोल्ड अ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस विदाउट एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड पेंडेमिक रिस्पॉन्स प्लान वी रिमेन वल्नरेबल ही वॉन. हमने कहा कि हम विलुप्त हो जाएंगे. एंड द कॉल केम इन द जॉइंट आर्टिकल पब्लिश इन द इंटरनेशनल न्यूज पेपर ऑफ द ट्यूजडे एंड पेंड बाय द लीडर्स फ्रॉम द फाइव कॉन्टिनेंट. कहा कि पांच देशों के जो यहाँ पे कॉन्टिनेंट को वहाँ पर देखा बात की गई. नेक्स्ट बात करते हैं आगे. नेपाल गेट वैक्सीन फ्रॉम चाइना. कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें इंडियन फोर्सेज ने चाइना के फोर्स को 100,000 वैक्सीनेशन इंडिया की तरफ से दी थी. आज न्यूज़ है कि आपकी जो वैक्सीनेशन है यहाँ पर चाइना को दी गई है किसके द्वारा. चाइना को द्वारा दी गई. किसको दी गई. दैट मीन्स दी गई है आपके जो आसपास के जो इसमें देश है इसमें दी गई. कहा गया कि जो नेपाल को दी गई है मतलब नेपाल को वैक्सीन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है. और कहा गया है वो फिर से कम यहाँ पर एक कैंपेन शुरू करेंगे. रिसीविंग द शॉट्स फ्रॉम चाइना रिज्यूमिंग अ कैंपेन आउट ऑफ द होल्ड आफ्टर इंडिया स्लो वैक्सीन एक्सपोर्ट. कहा गया है भारत की जो स्लो वैक्सीन एक्सपोर्ट है उसके बाद चाइना ने यहाँ प्रोवाइड कराई है. इंडिया एंड चाइना हैव साउट टू यूज़ वैक्सीन डिप्लोमेसी टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग द पेंडेमिक. तो आप जान सकते हैं भारत की तरह चाइना ने भी वैक्सीन डिप्लोमेसी अपनी स्टार्ट कर रखी है जिससे मैक्सिमम लोगों तक वो क्या कर सके वैक्सीन को पहुँचा सके और अपनी अपनी इन्फ्लुएंस को देशों में अपने पहुँचा सके जिससे देश में अपनी बारे में जानकारी है दूसरे देशों पर अपने अपने प्रभाव को स्थापित कर सके. तो ये चीज़ें आपको बताई गई यहाँ पे जो आपका देखने को मिला होगा सिंपली न्यूज़ में. चलिए बात करते हैं आगे. तो कहा गया यहाँ पर कई सारे देशों में जो आपके वैक्सीनेशन के बाद आपको बता दें कई देशों में कई राज्यों में भारत में हालात बदतर होते जा रहे हैं. महाराष्ट्र पंजाब समेत कई प्रदेशों में संक्रमण की दर क्या हो गई है वृद्ध को केंद्र सरकार ने बहुत खतरनाक बताया. कहा कि ये अगर ऐसे हालात लागू रहे तो आने वाले समय में काफ़ी बदतर चीज़ें देखने को मिल सकती हैं. ठीक है तो नेक्स्ट बात करते हैं आगे. सीसी प्रोमिसेस द फंडिंग टू अवॉइड स्विच कैनाल रिपीट. देखिए इजिप्ट के अंडर में आती है स्विच कैनाल और स्विच कैनाल के ऊपर दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए वो फंडिंग की बात कर रहे थे. तो यहाँ इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी जिन्होंने ये प्रॉमिस किया अब्दुल फतह अल सीसी प्रॉमिस दैट ऑन ट्यूजडे दैट हिज कंट्री वुड बाय इक्विपमेंट टू अवॉइड एनी रिपीटेशन ऑफ द पास्ट वीक क्लोजर द स्विच कैनाल एज ही विजिटेड इस्माइलिया इन रूट ऑफ द वाइटल ट्रेड आर्टरी. तो कहा गया वाइटल ट्रेड आर्टरी मतलब जिस पूरी लगभग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रूट में से एक है स्विच कैनाल का रूट और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो इतनी ब्लॉकेज दोबारा ना हो ये घटनाएं ऐसी दोबारा रिपीट ना हो इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी मशीनरी का उपयोग करना चाहेंगे वो और इसके लिए उसकी फंडिंग की भी ज़रूरत कई फंड के उसको करेंगे. तो ये एक रिपोर्ट आई जब आपने देखा कि दुनिया भर के लोग 7 दिनों से दुनिया भर का व्यापार जो आपका ठप था पूरे रूट आप कई सारे कंटेनर्स वहाँ पे फंसे हुए थे उसको देखते हुए यहाँ पर नई सुधारों की बात की गई मतलब गलतियों से सीखना इनका एक सही रहा. नेक्स्ट बात करते हैं आगे. जयशंकर सेज इंडिया बैक अफगान तालिबान डायलॉग. भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान जहाँ पर वार्ता चल रही है दोबारा जो अफगान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने इलेक्शन का प्रपोजल रखा था फ्रेश इलेक्शन का लेकिन बाद में तालिबान का विरोध हुआ. लेकिन जयशंकर प्रसाद चाहते हैं कि भारत चाहेगा कि आप दोनों लोग बैठ के बात करें और इस समझौते को रख के यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करिए और जनता के विकास के बारे में कार्य करें. मिनिस्टर कॉल फॉर द डबल पीस एट द हार्ट ऑफ द एशिया मीट. कहा गया कॉल्स फॉर डबल पीस मतलब दोबारा जो शांति के लिए कॉलिंग फॉर द डबल पीस बोथ द इनसाइड अफगानिस्तान इन द रीजन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर सेड इंडिया सपोर्ट्स द इंटर अफगान नेगोशिएशन. तो कहा गया रेयर डायरेक्ट रेफरेंस टू अ तालिबान इन द 9th हार्ट ऑफ द एशियाज कॉन्फ्रेंस तजाकिस्तान. तो कहा गया यहाँ पर द जयशंकर अटेंडेड द मीटिंग अलॉन्ग विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द 15 कंट्रीज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान पाकिस्तान टर्की ईरान चाइना रसिया सऊदी अरब एंड सेंट्रल एशिया.
बारे में बात की और कहा कि इंडिया हैज़ बीन सपोर्टिव फॉर ऑल द एफर्ट्स बीइंग मेड टू एक्सेलरेट द डायलॉग बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान गवर्नमेंट। अब बात करते हैं इंक्लूडिंग इंट्रा अफगान नेगोशिएशन। द मिनिस्टर सेड रिफर टू हिज पार्टिसिपेशन इन द इनॉग्रल वर्चुअल सेशन ऑफ द दोहा टॉक इन सितंबर 2020। इंगेज इन गुड फेथ, कहा गया इफ द पीस प्रोसेस इज टू बी सक्सेसफुल देन इट नेसेसरी टू इंश्योर दैट द नेगोशिएटिंग पार्टीज कंटिन्यू टू इंगेज इन गुड फेथ विद अ सीरियस कमिटमेंट towards of the reaching the political solution। he added india has not passed refer direct to the taliban। to isme simple baat hai, abhi aap dekh rahe honge pakistan afghanistan ke halaat bahut zyada kharab ho rahe hain aur nichli aapne dekha bhi hoga last time kuch aisi ghatnaye hui hain ki jab taliban ne wahan ke government official khas taur se mahil patrakaron ko aur judges ko target kiya tha। इसमें आए दिन कई जजेस और पत्रकारों ने अपने जान गंवाई थी, जिसमें उनकी ये बात समझ में आती न्याय और सूचना पर वो पूरा अटैक कर रहे थे। वो आपके जो अफगानिस्तान की जो दो चीज़ें थी जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों तक पहुँचती थी थ्रू द मीडिया, और दूसरा हिस्सा था जिसमें आपके न्याय की बात हो रही थी। काफ़ी यहाँ तक हमले होते रहे। स्पीकिंग द सेम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान फॉरन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी सेड पाकिस्तान फियर्स दैट एनी स्पेस गेन बाय द ISIS एंड अलकायदा could accentuate and the threat of the terrorism, the caution against the role of spoilers both within and outside the Afghanistan। ये बात उन्होंने अपनी रखी और ये भी बात जब से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना निकलने की बात हुई है, अमेरिकी से अपनी सेनाओं को निकालना चाह रहा, तब से चीज़ें बढ़ती चली गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। कनाडा लिमिट्स एस्ट्राजेनिका शॉट फॉर दोज हुए एवर 55 ईयर्स। कनाडा में एस्ट्राजेनिका जो कि यहाँ पर एक वैक्सीन है उसके जो शॉट्स हैं उसको यहाँ पर जो 55 साल से ज़्यादा के लोग हैं उनको देने से रोक लगा दी है। मैन्युफैक्चरिंग आस्क टू एसेस रिस्क ऑफ ड्रग बाय एज जेंडर, तो कहा गया है यहाँ पर फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ द एक्सट्रीमली रेयर एडवर्स रिएक्शन टू एस्ट्राजेनिका वैक्सीन सेवरल कंट्रीज हैव सेट द एज लिमिट फॉर द यूज़ ऑफ वैक्सीन एंड कनाडा इज़ द लेटेस्ट टू फॉलो सूट। कहा गया कई देशों ने एज को यहाँ पर एज को लेकर हुए वैक्सीनेशन को रोक लगा दी है और कनाडा भी उसमें एक नया है जिसमें 55 साल से ज़्यादा के जो लोग होंगे उनको एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाने पर रोका गया है। हेल्पिंग सिटीजन मेंटेन द इम्प्रूव देयर हेल्थ ऑन देयर 29th रिकमेंडेशन मार्च 29th रिकमेंडेशन ऑफ द एस्ट्राजेनिका वैक्सीन टू यूज ओनली पीपल अबव 55 ईयर्स, वही यूज़ करेंगे जो आपका पीछे क्या होगा अबव 55, मतलब कहा लिमिट्स द शॉट्स, तो उनके लिए यूज़ के लिए क्या हो गया रोक लग गई है। अर्लियर द मार्च 24 हेल्थ कनाडा इशूड अ लेबल चेंज दैट गाइडेंस ऑफ द एस्ट्राजेनिका वैक्सीन फॉलोइंग रिपोर्ट्स फॉर यूरोपियन स्टडीज द रेयर बट सीरियस इवेंट्स ऑफ ब्लड क्लॉट्स एसोसिएटेड विद द लो प्लेटलेट्स काउंट थ्रोम्बोसोपेनिया का द कनेडियन फेडरल बॉडी एंड द कंडक्ट द असेसमेंट ऑफ द रिस्क एंड द बेनिफिट ऑफ द वैक्सीन बाय एज एंड जेंडर इन कमेंडेड पॉज टू द यूज़ ऑफ वैक्सीन एंड पीपल अंडर 55 ईयर्स ऑफ एज। कहा क्या गया है कनाडा इज नॉट द फर्स्ट कंट्री टू रिकमेंड एज लिमिट फॉर यूज़ ऑफ वैक्सीन अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन साइंस। कहा गया फ्रांस हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द यूज़ ऑफ वैक्सीन पीपल एज 55 एंड हायर, द एज इज 65 इन स्वीडन। देखिए अलग अलग देशों में लगाया गया है यहाँ पर बैन। फ्रांस में कहा गया जिनकी एज 55 से ज़्यादा उन पर रोक लगाई गई है, फिर बाद में एज लिमिट 65 स्वीडन में है, फिनलैंड में 70 ईयर्स है, इन आइसलैंड द रेशनलाइज्ड वन बीइंग द एज ग्रुप मोस्ट ऑफ द लाइकली सफर टू द सेवरेस्ट इंपैक्ट ऑफ द सार्स कोव टू इन्फेक्शन। पजलिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिला ब्लड क्लॉट्स एंड लो प्लेटलेट्स काउंट, ये जो आपके देखने को मिले हैं समटाइम्स विद द ब्लीडिंग इज पजलिंग द बिकॉज नॉर्मली इट इज़ द ब्लड प्लेटलेट्स दैट हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड and there before they would be present in large number of when the blood clots and the पूछा गया है researchers said that the presence आपका कहा गया है preprint posted a research square that the unusual symptoms actually resemble a rare side effect of the blood thinners heparin which is known as heparin included thrombosphenian। तो question पूछा गया है HIT बोलते हैं हिपेरिन इंक्लूडेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जिसमें रोग होता है HIT, जिसमें देखा गया ब्लड थिनर के लिए तरह से प्रयोग किया गया तो उसमें इसमें बात की गई है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट।
जैब मिनिमाइज द चांस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. जैब मतलब जो आपका वैक्सीनेशन आपको लग जाने के बाद जो रिपोर्ट में देखा गया है, एक रिपोर्ट में साझा की गई बात कि आपको वैक्सीनेशन होने के बाद ऐसा बहुत कम देखने को मिल रहा है कि उन्हें दोबारा इन्फेक्ट हो गए हैं, वो कोविड के इन्फेक्शन में आए हों. देर वॉज ओनली फ्यू रेयर केसेज देर वेयर इन द पीपल कंट्रैक्टेड कोविड-19 आफ्टर टेकिंग वैक्सीन, सेड द हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन ट्यूजडे. ही वॉज स्पीकिंग द मीडिया आफ्टर रिसीविंग द सेकेंड डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन. डॉक्टर हर्षवर्धन टुक द सेकेंड डोज ऑफ द कोवैक्सीन एट द दिल्ली हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट. ही वॉज अकम्पनाइड बाई हिज वाइफ नूतन गोयल एंड हु ऑल्सो टुक द सेकेंड शॉट. द मिनिस्टर एडेड दैट इवन इफ समवन टेस्ट पॉजिटिव आफ्टर टेकिंग वैक्सीन, इट मिनिमाइजेज द चांस ऑफ देयर हॉस्पिटलाइजेशन और एडमिशन ऑफ टू द आईसीयू. कहा गया अगर लेने के बाद ऐसा कभी हो भी जाता है तो उसके चांसेस बहुत कम है कि उसे दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े या उसे आईसीयू में रखना पड़े. बात करते हैं आगे नेक्स्ट. बांग्लादेश टूर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड कंडक्ट. ऐसा पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने ऐसा इलेक्शन कमीशन को एक अपना पत्र लिखा है, उसमें बात कही है. उन्होंने कहा था आई कंप्लेन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर एक कंप्लेन की गई है जिन्होंने कहा रिसेंट बांग्लादेश का उन्होंने विजिट किया और वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की. कहा गया नो प्राइम मिनिस्टर वायलेटेड द कोड ऑफ कंडक्ट बाय इनडायरेक्टली कैंपेनिंग फॉर हिज पार्टी फ्रॉम फॉरेन सॉइल. मतलब ऐसी कोई भी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है किसी प्रधानमंत्री द्वारा कि किसी विदेशी धरती से जाके अपने पार्टी के लिए वहाँ पर इनडायरेक्टली प्रचार कर रहा हो, तो ये बात गलत है. इसको इलेक्शन कमीशन को बताया गया. यहाँ पर कंप्लेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा के बारे में बात की गई. तो मिस्टर मोदी विजिटेड द बांग्लादेश टू पार्टिसिपेट इन द 50th एनिवर्सरी इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश एंड बर्थ सेनेटरी ऑफ द बांग्ला बोला गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ऑन द मार्च 26. तृणमूल राज्यसभा पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर डेरेक ओब्रायन इन द लेटर सेड. कहा गया द पार्टी हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ऑफिशियल इवेंट्स बट द पार्टी टेक्स अम्बरेज एट द इवेंट ऑफ द मार्च 27 दैट इंक्लूडेड अ प्लेस ऑफ मथुआ सेक्ट फाउंडर हरिचंद ठाकुर एंड दीज इवेंट्स हैज़ अ नॉर्डिंग द टू द नोटिंग द नथिंग टू द इधर द 50th एनिवर्सरी ऑफ द बांग्लादेश इंडिपेंडेंस एंड बर्थ सेनेटरी ऑफ द मुजीबुल बंगबंधु. तो इसलिए बोला गया कि वहाँ पर जाने के बाद एक पर्टिकुलर सेक्ट को यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस करने की बात की गई कि वहाँ पर किसी भी सेक्ट से जुड़ के जो कि पश्चिम बंगाल में रहने वाली एक जातियाँ हैं जो कि इनकी अच्छी खासी आबादी में पाई जाती हैं, वहाँ जाकर आप इनडायरेक्टली अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा नहीं सकते, अपने इलेक्शन के कैंपेनिंग को इनक्रीज नहीं कर सकते हैं. ये बात वहाँ पर की गई है डायरेक्टली. अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट. तेलंगाना रेजेज द रिटायरमेंट एज 61. तेलंगाना मतलब द रिटायरमेंट एज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन तेलंगाना हैज सेट इनहेंसेज द 61 फ्रॉम ट्यूजडे. तो रिटायरमेंट की एज तेलंगाना गवर्नमेंट बढ़ा के 61 ईयर्स कर दी है एंड सेट दैट द इनहेंस द एज 16 ट्यूजडे. दिस वॉज द एश्योरेंस गिवन बाय द तेलंगाना राष्ट्र समिति इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो एंड द एक्ट ऑफ द रिगार्ड वॉज द पब्लिश इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट यूज बाय 27 मार्च. मतलब जो सरकारी सर्विसेज में जो लोग हैं वहाँ पर एज बढ़ाकर उनकी बढ़ा 61 की गई, जैसा कि उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान अपने लोगों में वहाँ पर वादा किया था, उसी को उन्होंने वहाँ पर कहा कि हमने इसको फुलफिल किया है. ठीक है, तो एज बढ़ के अब क्या हो गई तेलंगाना की सरकार में जो सर्विसेज में, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में 61 ईयर्स यहाँ पर बढ़ा के कर दी गई है. ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर. रिसर्चर्स फाइंड न्यू बटरफ्लाई नो न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज. तो कहा गया ग्राउंड ऑफ लेपिडोप्टेरिस्ट हैव एडेड अ स्पीसीज ऑफ एक्सपेंडिंग लिस्ट ऑफ बटरफ्लाइज इन इंडिया. द डिस्कवरी ऑफ स्पीसीज सेट नकुबा सिंघाला रामास्वामी संदवीसन 21 इन अगस्ता मले इन वेस्टर्न घाट अ डिकेट एगो हैज नाउ फाउंड अ प्लेस इन द जर्नल ऑफ टीटन टैक्सा. द्यू न्यू टैक्सॉन मतलब कहा गया लिसेसिन बटरफ्लाइज बिलोंग टू द नेकुबा जीनस एंड हैन फर्स्ट साइटेड बाय द टीम कंप्राइज द कालिस सदाशिवन ने देखा था इसको एंड बैचू रिप्रेजेंटिंग द रावण कोर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी राहुल खोट एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड रामास्वामी नायकर फ्रॉम द लाइन ब्लूज द नी लाइन ब्लूज स्मॉलर बटरफ्लाइज बिलोंगिंग टू द सब फैमिली ऑफ लेसानीडे एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम इंडिया श्रीलंका ऑफ द होल साउदर्न एशिया ऑस्ट्रेलिया एंड समोवा में पाई जाती हैं. इन द फर्स्ट टाइम द बट बटरफ्लाई स्पीसीज वर डिस्कवर्ड बाई ऑल इंडियन रिसर्चर्स टीम फ्रॉम द वेस्टर्न घाट.
ये देखने को मिली। तो बटरफ्लाई की नई स्पीसीज जो कि कहाँ मिली है, अगस्त्यमलाई पर्वतों पे देखने को मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं, मणिपुर रिट्रैक्ट लेटर ऑन द रिफ्यूजीज। कहा गया मिजोरम प्लान्स टू इंक्लूड म्यांमार्स एग्जाइल अंडर द मनरेगास। तो कहा गया है मिजोरम ने इसे प्लान किया है कि मणिपुर रिट्रैक्ट द लेटर ऑफ रिफ्यूजीज। तो कहा गया यहाँ पर सिंपल से, मणिपुर गवर्नमेंट हैज़ विदड्रॉ द लेटर इशूड लास्ट वीक डायरेक्टली ऑफिशियल्स नॉट टू सेट अप द एनी कैंप एंड म्यांमार नेशनल्स क्रॉसिंग द बॉर्डर इन टू इंडिया एंड पोलाइटली टर्न अवे दो सीकिंग रिफ्यूज। ठीक है। मीन वाइल द इवन दो द यूनियन मिनिस्टर असर्टेड दैट द रिफ्यूजी शुड बी आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड फ्रॉम मिजोरम गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड दम एम्प्लॉयमेंट अंडर द मनरेगा। कहा गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। एंड इट अपियर्स दैट द कंटेंट ऑफ द लेटर हैव बीन मिसकंस्ट्रक्टेड एंड इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। द स्टेट गवर्नमेंट हैज चांस, यहाँ पर कहा गया टेकिंग इट ह्यूमैनिटेरियन स्टेप एंड कहा गया रिसेंटली टेकन ऑल स्टेप्स इंक्लूडिंग देम टू द इम्फॉल टू ट्रीट द इंजर्ड म्यांमार नेशनल्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड टू ऑल एड एंड सेट द ज्ञान प्रकाश स्पेशल सेक्रेटरी मणिपुर इन अनदर लेटर। यहाँ पे जो इनकी जारी किया गया उसमें बताया गया इनको, इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग आई एम डायरेक्टेड टू द कन्वे द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट दैट द इट डिसाइड विदड्रॉ द लेटर डेटेड 26 मार्च मेंशन अबव प्रकाश इंक्लूड। क्या कहा गया है, इन मार्च टू लेटर द डिप्टी कमिश्नर फाइव डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग म्यांमार, जो पांच राज्य बनाते हैं बाउंड्री। मैंने कई बार बताया कि जब म्यांमार की बाउंड्री की बात आए तो आप ये लोग जरूर देखा करिए कि कितने राज्यों से बाउंड्री बनाता है। यहाँ पे जो अलग अलग राज्य हैं उन्होंने अलग अलग अपनी सोच रख रखी। इन केस ग्रेवियस इंजरीज मेडिकल अटेंशन में बी प्रोवाइडेड ऑन ह्यूमेटेरियन कंसिडरेशन एंड ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द आधार इनरोलमेंट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली एंड आधार इनरोलमेंट किट्स टेकन इन सेफ कस्टडी। ये बात यहाँ पर बोली गई थी कि उनका आधार इनरोलमेंट नहीं होना चाहिए और जितने भी आधार इनरोलमेंट की किट्स है उसको बिल्कुल कहाँ रखी जाए, कस्टडी में रखा जाएगा जिससे उसमें नज़र बनाई जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, पंजाब गवर्नमेंट एक्सटेंड रिस्ट्रिक्शन टिल मार्च 10। तो कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको मार्च 10 तक के लिए बढ़ा दिया है, 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। कंटिन्यू द इंक्रीज पंजाब विदड्रॉ द यूके स्ट्रेन इमर्जिंग द मोस्ट प्रिविलेंट। द स्टेट गवर्नमेंट ट्यूजडे डिसाइड टू एक्सटेंड द ऑन गोइंग रिस्ट्रिक्शन टिल मार्च 10 तक इसकी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई। जबकि देखा गया वहाँ यूके स्ट्रेन काफ़ी देखने को मिल रहा है पंजाब में, इसको देखते हुए वहाँ पर ये चीज़ें जो आपके हैं वहाँ पर बढ़ा दी गई हैं, आगे भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सर्ग इन केसेस अ कॉज फॉर द कंसर्न। कहा गया केसेस में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी एक बहुत ही भयावह स्थिति है। पुणे बेंगलोरी अमंग द 10 डिस्ट्रिक्ट विद द हाई एक्टिव केस लोड। कहा गया है कुछ 10 जिले ऐसे निकले हैं कुछ राज्यों के जहां पर बहुत ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। 8 of the 10 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग द हाइएस्ट शेयर ऑफ न्यू कोविड-19 केसेस ऑन मंडे। महाराष्ट्र मुंबई इन 10% ऑफ द कंट्री न्यू केसेस काउंटेड द 10% ऑफ द कंट्रीज केसेस। तो यहाँ पे जो परसेंटेज दिखाया गया कितना परसेंटेज देखने को मिला, तो कहा गया सर इन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस आर गोन फ्रॉम द बैड टू वर्स सेड द वीके पॉल मेंबर ऑफ हेल्थ नीति आयोग एंड इंडिया रजिस्टर्ड 56,211 न्यू इन्फेक्शन इन 24 आवर्स टिल 8 AM। कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर पॉल सेड पुणे 59,445 और 75, मुंबई 46,248 एंड दिस थाने एंड बेंगलुरु इज अमंग द 10 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ एक्टिव केसेस। सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस देखे जा रहे हैं यहाँ पर। एंड ही एडेड वी आर फेसिंग द इंक्रीजिंगली सेवर एंड इंटेंस सिचुएशन मोर सो श्योरली द सम डिस्ट्रिक्ट बट द होल कंट्री इज प्रोटेक्टली रिस्क एंड देयर फॉर द एफर्ट टू कंटेन द सेव लाइफ शुड बी टेकन। अर्जेंट एक्शन नीडेड। कहा गया बहुत तेज़ी से एक्शन लेने पड़ेंगे। राजेश भूषण स्ट्रेस दैट कि अर्जेंट एक्शन कर्व एंड सख्त। कहा गया ही सेड स्टेट हैज़ बीन आस्क्ड टू रैंप अप टेस्टिंग एंड फोकस द RT-PCR टेस्ट एंड डायरेक्टेड द इंश्योर इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट आइसोलेशन टू दोज हुज इन्फेक्टेड एंड ट्रेसिंग देयर क्लोज कॉन्टेक्ट वाइल द स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर रिसोर्सेज। तो ये जो आपके केसेस में डायरेक्ट बढ़ोतरी हो रही है इसको देखते हुए देश में बाकी हिस्सों में तो भी कम है, लेकिन हाँ उसको भी रिस्क पर रखा गया कि ये भी इनके चांसेस भी बढ़ सकते हैं आपके यहाँ पर रिस्क पर। तो पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में आपने देखा कि एक चीज़ पर ज़्यादा चर्चा, बस एक तरीके से कोविड, कोविड से होने वाला इम्पैक्ट,
इंटरनेशनल रिलेशन में अफगानिस्तान और आपके चाइना के देश के आसपास की जो यहाँ पर है, पहले आपका कोरोना था, फिर उसके बाद उसकी वैक्सीन डिप्लोमेसी, फिर कोरोना की वैक्सीनेसी, पूरा चीज़ आपकी इस पूरी चीज़ पर निर्भर करती है। साथ में बची हुई जो न्यूज़ है वो आपको मैंने आपको बता ही दी है। जो डिस्कशन होगा, मैं आज पे कुछ आर्टिकल, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर आज चर्चा करूंगा, वो भी आप मुझसे देखना ना भूलिएगा मेरे साथ। चलिए ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि और कौन कौन से नए टॉपिक होते हैं, नए नए चीज़ों पर, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।